हरे कृष्णा। तो 1960s में एक रिसर्च हुआ था सेल्फ इस्टीम के ऊपर। तो उस रिसर्च में पाया गया था कि सेल्फ इस्टीम जो है उसको रिलेशन में देखा जा रहा था कि सेल्फ इस्टीम अगर आपकी हाई है तो आप सक्सेसफुल भी हैं, है ना। तो इस रिसर्च के दौरान 1960s में जब ये पता चला, इसको कोरिलेट किया गया सक्सेस के साथ सेल्फ इस्टीम को, तो उसके बाद से बहुत ज़ोरों शोरों से कॉलेजेस में, स्कूल्स में इसको बहुत प्रमोट किया गया कि, है ना, हमें बच्चों के अंदर सेल्फ इस्टीम रखना चाहिए। और इस वजह से क्या है, जो क्राइम्स है, जो पॉवर्टी है, ये सब के केसेस हम इसको ऐसे टैकल कर पाएंगे, लोगों के अंदर हाई सेल्फ रिस्पेक्ट डेवलप करें तो ये सब केसेस नहीं होंगे, क्राइम्स नहीं होंगे, लोग पुअर नहीं रहेंगे, है ना, वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, वो सक्सेसफुल व्यक्ति बनेंगे अपने लाइफ में। तो विद इन सर्टेन टाइम पीरियड के बाद ये रियलाइज़ हुआ कि ये सत्य नहीं था, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट सेल्फ इस्टीम जो पाया गया था वो जनरली उन लोगों के बीच में पाया गया था कि जो लोग क्राइम करते थे बहुत, है ना, वायलेंट क्रिमिनल्स जो होते थे जिनको जेल में, तो वो लोग अपने आप को अपनी नज़रों में हमेशा अच्छा ही देखते थे, है ना। तो लोगों को लगने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है ना, ये मैच नहीं कर रहा, क्रिमिनल्स भी हैं, और उनको ये भी लग रहा था कि जो व्यक्ति सक्सेसफुल हुआ है उसकी सेल्फ इस्टीम इस कारणवश भी तो हाई हो सकती है कि उसने सक्सेस प्राप्त किया उसके बाद उसकी सेल्फ इस्टीम हाई हो, है ना, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट अपने आप के लिए बढ़ी। तो ऐसे काफ़ी रीजंस थे, ऐसे काफ़ी स्टोरीज थी कि एक व्यक्ति था जो लोगों से पैसे उधार पे लेके, है ना, कि बिजनेस चालू करेगा वो, उसने इनिशियली ऐसे चालू किया बट सबका वो पैसा लेके गायब हो जाता था। देन आप सोच के लगेगा कि उसको, सबको लग रहा होगा कि, है ना, एक व्यक्ति सोच के अपने आप को सोचता होगा कि, ना, मैं कितना गिरा हुआ हूँ, मैं ऐसे लोगों के वादे करके तोड़ देता हूँ, है ना, और मैं लोगों को पे बैक नहीं करता हूँ, मैं बात नहीं करता हूँ, भाग जाता हूँ। तो लोग सोचते थे उसको अपने आप के लिए गिल्टी फील होगा, बट जब उस व्यक्ति को पूछा गया, उस व्यक्ति को पकड़ा गया, तब उससे पूछा गया, तो वो अपने आप को सेल्फ रिस्पेक्ट में अपने आप को हमेशा ऊपर ही रखता था कि हाँ भैया, जीना है तो ऐसे करना ही पड़ेगा, क्या है, मतलब मैं अपने आप को कम नहीं समझता हूँ, मैं ठीक ही कर रहा हूँ, अच्छा ही। तो ये प्रॉब्लम दिखने लगा कि लोग रूल्स के सेल्फ रिस्पेक्ट और सक्सेस में कहीं मिसमैच हो रहा था, है ना, लोग धोखा खा रहे थे, लोगों के साथ अलग तरीके से ट्रीट किया जा रहा था। तो फिर 2003 में एक रिसर्च हुआ और उससे और ज़्यादा क्लियर हुआ कि सेल्फ रिस्पेक्ट, ये सेल्फ इस्टीम जो है वो किसी और चीज़ से कोरिलेट नहीं करता, केवल आपके फीलिंग्स, कि आप अपने आप को कैसा फील करते हैं, है ना, उससे ही कोरिलेट करता है, हाउ डू यू फील अबाउट योर सेल्फ। फर्दर डाउन द रोड 2011 में एक जापनी साइकोलॉजिस्ट जर्नल में कि ये पब्लिश हुआ कि सेल्फ इस्टीम बहुत वेरिएबल है ना, उसको यूज़ भी किया जा सकता है बहुत अच्छे तरीके से, बट उसके अंदर काफ़ी सारे फेसेस हैं ना, काफ़ी टाइप्स की सेल्फ इस्टीम है। तो मेजर अगर हमें ब्रॉड में समझना हो तो दो उसको ब्रॉड टर्म्स में हम कैटेगराइज कर सकते हैं सेल्फ इस्टीम को, एक है हाई सेल्फ इस्टीम, दूसरा है टॉक्सिक सेल्फ इस्टीम। तो हाई सेल्फ इस्टीम बेसिकली है कि आप अपने आप के बारे में कैसा फील करते हैं रिगार्डिंग उन चीज़ों के जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं अपनी लाइफ में। फॉर एग्जांपल, अगर आपको पैसा कमाना है, आप कोई पैसा कमाना चाह रहा है, तो कितना पैसा वो कमा सकता है उस पर गारंटी नहीं है वो, बट वो इस चीज़ पे कंट्रोल कर सकता है कि वो कितना हार्डवर्क कर सकता है, है ना, और कितना नई चीज़ों को जान के, है ना, उसको डेवलप कर सकता है अपने आप में, ताकि उसके चांस ऑफ सक्सेस है वो इंक्रीज हो सके। इंस्टेड ऑफ फीलिंग के मैं नहीं कर सकता, मेरे बस का नहीं है, है ना, या अपने आप को बुरे भले शब्द कहना कि आप पैसा नहीं कमा सकते या आप अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते, फॉर एग्जांपल अगर ये भी तो रादर वो ये कॉन्फिडेंस रखते हैं कि उनके पास क्या स्किल्स हैं अभी और क्या वो डेवलप कर सकते हैं। और जो सेकेंड है, जो टॉक्सिक सेल्फ इस्टीम है, वो बेसिकली ये रहता है कि आप अपनी जो फीलिंग है, आप जो अपने बारे में जो फील करते हैं रिस्पेक्ट, है ना, वो आप किसी और के कंट्रोल में आप दे देते हैं। तो जो सेकेंड है, टॉक्सिक सेल्फ इस्टीम है, तो वो जो है वो डिराइव होती है कि आप दूसरों के ऊपर छोड़ देते हैं चीज़ें और उसके बेसिस पे आप डिराइव करते हैं सेल्फ इस्टीम को अपनी, है ना। तो वो टॉक्सिक इसलिए हो सकती है क्योंकि जब तक आप दूसरों से बात कर रहे हैं ना, आपको लग रहा है कि हाँ, आप उससे बात करके वो खुश हैं, तो आप उनको कंसिडर करते हो कि हाँ, मेरा सही चल रहा है, बट जैसे ही अगर कुछ बात से अगर वो इरिटेट हो जाते हैं, तो आप अपने आप को पूरा सेल्फ, आप अपने आप को डाउट करने लग जाते हो कि मे बी, है ना, मेरी मैं मतलब बहुत इरिटेटिंग व्यक्ति हूँ, मैं बहुत बेकार व्यक्ति हूँ, है ना।
तो इसमें दिक्कत ये रहता है कि आप अपने लाइफ का कंट्रोल जो है आप किसी और के हाथ में दे देते हो। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन तीन सोल्यूशन है। तो जो फर्स्ट सोल्यूशन है, हमें उसमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ, मेरे अंदर लो सेल्फ इस्टीम है, फॉर दैट मोमेंट ओनली, है ना। तो बेसिकली हम जब भी हमारे लाइफ में ऐसी सिचुएशन आते हैं कि हम अपने आप से बहुत अपने आप को होपलेस फील कर रहे हैं, बहुत सैडन फील कर रहे हैं ना, तो हम लोग उसी में ड्वेल करने लग जाते हैं। बट फीलिंग्स बाय डेफिनेशन है ना, दे आर टेम्पररी। आप देखिए, आप पूरे थ्रू आउट 24 आवर्स खुश नहीं रह सकते। आपको कोई कोई अगर कॉमेडियन जोक भी करता है तो आप थोड़े देर के लिए हंसते हो, है ना, देन यू नो कम बैक टू योर नॉर्मल स्टेट, है ना। तो फीलिंग्स बाय डेफिनेशन वो टेम्पररी है ना। अगर हम इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें, है ना, जब हमारे पास थाट्स आ रहे कि नहीं यार कि तुमसे नहीं हो पाएगा, है ना, तुम्हें तुम बेकार व्यक्ति, तुम्हें बोलना नहीं आता है ना, तुम फूल नंबर वन हो, तो अगर आप उसको एक्सेप्ट कर लें तो इससे एक फ़ायदा पहले ये होता है कि आप जो ये विशियस पूल है ना, आप इसमें ड्वेल नहीं करते और फर्दर और उसमें डीप डाउन नहीं जाने लगते। और जो इसका सेकंड बेनिफिट है, जब आप इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ, मेरे अंदर कुछ कमी है ना, ये मे बी ये मेरे अंदर कमी है किसी भी कारणवश, है ना, देन उसके बाद आपके पास एक फ्रेम मिलता है, आपके पास स्पेस मिलता है थोड़ा सोचने का कि कैसे मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने स्वीकार किया कि आपको लोगों से बात करना नहीं आता, देन ये दिस इज गिविंग यू अ सेकेंड अपॉर्चुनिटी टू नाउ थिंक कि हाउ कैन आई इम्प्रूव। मतलब मेरे को पता चल गया ये प्रॉब्लम है ना, मैं बात नहीं कर सकता, नाउ आई हैव टू वर्क ऑन दिस, है ना। तो दिस सेव्स यू फ्रॉम फर्स्ट गोइंग डाउन इन दिस विशियस ओशन ऑफ यू नो सेल्फ हेट्रेड। एंड द सेकेंड थिंग इज इट हेल्प्स यू टू इम्प्रूव योर सेल्फ, टू ग्रो इन लाइफ। ओके, मूविंग ऑन टू द सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है प्रैक्टिस सेल्फ कंपैशन। तो जनरली ऑब्जर्व किया जाता है कि जो लोग जिनके लाइफ में बहुत लो सेल्फ इस्टीम रहता है, तो उनके साथ कुछ अच्छा हो या बुरा हो तो वो उसको बहुत पर्सनली लेते हैं, है ना। तो ऐसे सिचुएशंस में क्या होता है, अगर आपके साथ कुछ बुरा हो, है ना, तो आप सोचेंगे कि यार मैं इतना बड़ा मूर्ख हूँ, मैंने ऐसे कैसे बोल दिया यार, मैंने उस टाइम पर ऐसे क्यों किया, कहता हूँ यार मैं, है ना, इस बार तो मैंने पक्का बहुत बहुत बुरा ख़राब किया यार, बहुत बोलेगा या बोलेगी वो, या मेरा ऑफिस का क्लीग बहुत बोलेगा, है ना, जॉब मेरा बॉस बहुत बोलेगा, है ना। तो ऐसे ऐसे हम लोग क्या जो लो सेल्फ इस्टीम है जिसके अंदर, तो वो ऐसे अपने आप को बिलिटल करते रहते हैं। तो बट आप देखेंगे यही सेम चीज़ है अगर आपके किसी फ्रेंड के साथ हो, तो आप अपने फ्रेंड को सेम ऐसा नहीं बोलते, आप अपने फ्रेंड को समझाते हो कि हाँ हो सकता है हमसे कुछ गलतियाँ हुई हो, बट यार गलतियाँ सारे इंसान करते हैं, हर कोई गलती करता है ना। अब वो हम समझाने का प्रयास करते हैं कि उसको कि देख ये ऐसा ऐसा हो सकता था, है ना, इस कारणवश गलती हुई, इसको अगली बार से इम्प्रूव करना, है ना। सेम चीज़ जो हम अपने दोस्त के साथ कर रहे हैं, हम उसको समझा रहे हैं कि इट इज़ जस्ट नॉर्मल थिंग, है ना, कि वी ह्यूमंस मेक मिस्टेक। तो सेम अपने आप को समझाना, सेम अपने आप को एक स्पेस देना इम्प्रूवमेंट का, है ना, एक रोडवे दिखाना इम्प्रूवमेंट का, ये सेम चीज़ हम अपने साथ भी डिजर्व करते हैं। तो हमें कंपैशन होना चाहिए हमारे लिए, और हमें ये प्रैक्टिस करना चाहिए जब कभी भी हमें ऐसे हमारे पास लो सेल्फ इस्टीम वाले पॉइंट्स आते हैं हमारी लाइफ में। और अगर हम खुद नहीं कर पा रहे कभी, तो हमें एक ऐसे फ्रेंड के पास जाना चाहिए जो हमें हेल्प कर सके इस चीज़ में, है ना, ऊपर के बाहर आने में। तो ऐसे फ्रेंड्स का हमारी लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है, जो हमें टाइम टू टाइम हेल्प करते रहे, गाइड करते रहे, है ना, हमें बताते रहे हमारी प्रॉब्लम्स क्या है ना, फॉर व्हाट दे आर, है ना, इन ट्रू नेचर, और उसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। एंड थर्ड पॉइंट है बी कम्फर्टेबल विद व्हाट यू लैक। तो जो एक्चुअल जो सेल्फ इस्टीम है, उसका ये मतलब नहीं कि आपके अंदर कोई भी प्रकार की कमी नहीं है, है ना, यू डोंट फील यू लैक एनीथिंग इन योर लाइफ, दिस इज नॉट द मार्क ऑफ ट्रू सेल्फ इस्टीम। रादर ये है कि यू एक्सेप्ट दैट येस यू हैव सम लैकिंग्स इन यू, एंड यू आर रेडी टू वर्क ऑन इट, एंड यू रेडी टू मूव ऑन इट, एंड यू आर रेडी टू मूव ऑन विद इट इन योर लाइफ। तो बेसिकली जो तीन टाइप के जो लोग होते हैं जिनका स्पेसिफिकली हाई सेल्फ इस्टीम होता है, वो लोग जनरली ये जज करते हैं ऐसे, वो दूसरों को जज करते हैं ना, वो बोलते हैं कि कमी मेरे अंदर नहीं, कमी सामने वाले व्यक्ति के अंदर है ना, गलती मेरी नहीं उस व्यक्ति की गलती है।
जो लो सेल्फ एस्टीम वाले हैं वो अपना ही रोना लेके बैठे रहते हैं कि हाय मेरे में ही कमी है, मुझसे ही नहीं हो रहा, मुझसे ही नहीं हो रहा ना। बट जो ट्रू सेल्फ एस्टीम में जो लोग हैं वो इस चीज़ को एक्नॉलेज करते हैं कि हाँ मेरे अंदर कुछ गुड थिंग्स हैं, है ना, जिसके मैं काम कर पा रहा हूँ, बट मेरे अंदर लिमिटेशंस भी हैं, मेरे अंदर कुछ कमियाँ भी हैं जिसको मेरे को डेवलप करना है, जो मैं डेवलप कर सकता हूँ या जो मेरे, अगर ऐसी चीज़ है जो नहीं डेवलप कर सकता तो इट इज़ आउट ऑफ माई कंट्रोल, व्हाट कैन आई डू इन इट। क्योंकि हम लोग 100% परफेक्ट तो नहीं हो सकते। तो जो ट्रू सेल्फ एस्टीम वाला व्यक्ति है वो इस चीज़ को एनालाइज करता है कि कहाँ उसका स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है और क्या उसमें वो इम्प्रूव कर सकता है। तो इन क्रक्स अगर बोला जाए तो इट इज़ लाइक यू हैव टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन हाई सेल्फ एस्टीम एंड अ लो सेल्फ एस्टीम। आपको इसके बीच में रहना है, ना ज़्यादा लेफ्ट में ना ज़्यादा एक्सट्रीम, बोथ एक्सट्रीमिस्ट नहीं बनना आपको, है ना, एक्सट्रीम जोन्स में नहीं जाना। तो सेम टीचिंग भगवद गीता में भगवान बताते हैं अर्जुन को, चैप्टर नंबर 13 वर्स नंबर 8 में। तो ये श्लोक का बहुत बड़ा है, इसमें भगवान बहुत सारी क्वालिटीज कुछ मेंशन कर रहे हैं जिसको भगवान एज ए नॉलेज बता रहे हैं, दैट दीज आर नॉलेज। तो जो फर्स्ट जो उसका जो स्टार्टिंग है दैट इज ह्यूमिलिटी। तो आप लोग सर्च कर सकते हैं वर्स को ही अपना। तो ह्यूमिलिटी इसमें भगवान बता रहे हैं दैट, भगवान ह्यूमिलिटी और फर्दर पॉइंट्स गिना रहे हैं तो उसको बोल रहे हैं दिस आई डिक्लेयर टू बी ट्रू नॉलेज। तो ह्यूमिलिटी क्यों? क्योंकि ह्यूमिलिटी का मतलब है कि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं अपने शॉर्टकमिंग्स को, है ना, अपने लिमिटेशंस को। तो ह्यूमिलिटी या मॉडेस्टी आप कह सकते हैं, तो उसका मतलब है कि यू आर एक्सेप्टिंग दैट यू हैव सम लिमिटेशंस, यू आर लिमिटेड टू सम एक्सपीरियंसेस, है ना, यू आर नॉट कम्प्लीटली परफेक्ट, एंड विद दैट यू सीक आउट टू इम्प्रूव योर सेल्फ। बिकॉज आपको जहाँ फिर मौका मिलेगा यू विल टेक हेल्प ऑफ अ पर्सन, क्योंकि इसी में भगवान आगे बताते हैं कि दैट ही एक्सेप्ट्स वन स्पिरिचुअल मास्टर। स्पिरिचुअल मास्टर्स के पास वो जा रहा है व्यक्ति जो अपने आप को इम्प्रूव करना चाह रहा है। ही फाइंड्स दैट ही इज बाई हिमसेल्फ ही इज नॉट परफेक्ट टू अंडरस्टैंड थिंग्स, ही हैज सम लिमिटेशंस, ही हैज सर्टेन लिमिटेशंस। सो सेम ये पर्सपेक्टिव भगवान बता रहे हैं कि हमें बीच में रहना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हमारा क्या, हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम हमें पता होना चाहिए कि हमारे लिमिटेशंस भी है। सो माई नेम इज दीपांशु बजाज, आई एम अ लाइफस्टाइल डेवलपर, स्टोरी टेलर एंड एन एजुकेटर एट इस्कॉन यूथ फोरम दिल्ली। आई थैंक यू फॉर गिविंग योर वैल्युएबल टाइम एंड आई होप टू सी योर क्वेश्चंस और सर्टेन पॉइंट्स। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल यू कैन लाइक और शेयर विद एनी वन यू माइट थिंक इट विल सर्व देम। And we have one page on Facebook by the name Mind Body Soul Community. You are welcome to join that group as well. Hare Krishna.